एवरीवन, मैं रूडी योगी एंड आज है हमारे साथ शाकुल भाई। और कुछ दिन पहले ही हमने एक्सोटिक गपीज मंगाई थी फ्रॉम रेन एक्वेटिक्स, तो आज वो आ गई हैं एंड आई होप वो बिल्कुल सेफ हो क्योंकि काफी दिन हो गए हैं एंड समर भी चल रहा है। तो देर ना करते हुए इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। शाकुल भाई आप अनबॉक्स, ओ भाई एड्रेस लीक हो जाएगा भाई मेरा, एड्रेस लीक हो जाए, मछली लीक नहीं होनी चाहिए भैया, कोई ऐसा दोस्त मिल जाए। ये देखो गाइस कैसा लग रहा है मेरा प्लांटेड सेटअप, बिल्कुल गपीज के रेडी है। और अभी ये वाली गपीज मैं हटा दूंगा और ये ब्रीडिंग सेटअप्स में रख दूंगा। गाइस कैसे लग रहे हैं ब्रीडिंग सेटअप? ये देखो पोलर पैरेट का ये थोड़ा सा भी गंदा हो रखा है क्योंकि हमने मनी प्लांट्स थोड़ा इधर उधर बिखेर दिए हैं और शाकुल भाई लगे हैं पैकेज को खोलने में। और मैंने यहाँ पे मॉन्स्टेरा भी ऐड करा है जो कि अभी थोड़ा सा यार सूख रहा है, पता नहीं क्यों, या तो नए घर में आया इसलिए थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है वो। और यहाँ पे है हमारे सारे पोलर पैरेट्स, इतना ग्लेयर क्यों आ रहा है? और ये माही भाई थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन बोले जो कोयल बागों में। भाई भाई प्लीज प्लीज भाई, मुझे मूवमेंट दिख रही है भाई, मूवमेंट तो है। एयो एक्सोटिक गपीज, ये देखो बिल्कुल सेफ है और एकदम हेल्दी हेल्दी भी है। ये देखो ये डम्बो ईयर है ना, प्लैटिनम डम्बो ईयर, ओह ये दूसरी है भाई, ये भी बहुत प्यारी है। अभी थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो रखी है तो कलर्स नहीं दिखा रही है। ये मोसैक है ना, फीमेल, हाँ भाई बहुत प्यारी है भाई, अभी वो दिख भी नहीं रही है। एक कैजुअलिटी हो चुकी है गाइस प्लैटिनम की। तो समर में यही थोड़ी सी दिक्कत रहती है और एक की डेथ हो गई है और बाकी देखते हैं, बाकी तो है अलाइव, बाकी सारी अलाइव है। ये हमारी प्लैटिनम डम्बो ईयर, ये भी सही है ना, चिली अभी दिख भी नहीं रही है भाई ढंग से। सो गाइस एकदम सुंदर सुंदर एक्सोटिक गपीज आ गई हैं, बस हमारी एक डम्बो ईयर की डेथ हो गई है। सो बाकी गपीज को हम अच्छे से एक्लिमेट करने, क्या पता, हाँ बीच में एक संडे आ गया उसकी वजह से डेथ हो गई। आई एम सॉरी बाबू, बाकी सारी की सारी गपीज एकदम सही है, अब इनको एक्लिमेट करने डालते हैं अपने टैंक में। सो गाइज ये देखो एक हमारी चिली वाली है ना, चिली रेड, चिली रेड वाली, कौन सी वाली है, कैंडी मोसैक। सो ये हमारी एक कैंडी मोसैक गपी है और ये फीमेल थी और इसने कुछ फ्राइज भी ले कर दिए हैं और वो खा भी रही है उन्हें जल्दी से, तो इसको डाल देते हैं इसमें एक्लिमेट होने के लिए। इसने तो बहुत सारे खा दिए होंगे, बहुत सारे दिए होंगे, उसने खा भी दिए। तो सारे के सारे बैग्स मैंने डाल दिए फ्लोट होने के लिए एंड इन्हें देंगे आराम से 10 से 15 मिनट एक्लिमेट होने के लिए, उसके बाद इनको टैंक में रिलीज करेंगे। सो गाइस हमारी गपीज हो चुकी है एक्लिमेट अराउंड 30 मिनट्स के लिए एंड अगर आपको भी ये गपीज खरीदनी है तो मैं रेन एक्वेटिक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके जरूर चेकआउट करें। एंड अब हम निकालते हैं अपनी गपीज को। सारा मेल है, फीमेल है, कौन सी वाली, प्लैटिनम डम्बो ईयर, खोलो खोलो भैया जल्दी, ये वही वाली जिसने बच्चे दिए हैं। सो गाइस ये देखो फीमेल एकदम पेल कलर की हमारी, डाल दे भाई उसे टैंक में।
और ये गई टैंक में। भाई बहुत प्यारी लग रही हो। नाइस, एकदम सिल्वर। भाई अच्छी लग रही है। जो हम पे वो भी तो ऐसी लगती है ना, थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। भाई बताओ गाइस कैसी लग रही है तुम्हें? बौखला गई भाई। ये वाला कौन सा है? डम्बो ईयर। ये बहुत ज्यादा सुंदर होगा। ये देखो गाइस, प्लैटिनम डम्बो ईयर्स। डालो भैया टैंक में इसको फटाक से। हैप्पी 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 हैप्पी। अरे भाई वो कितना सटीक लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक मेल की तो डेथ हो गई, बट ये वाला भाई कितना सुंदर लग रहा है, देख रहा। हमारे मेल्स भी भाई कुछ कम नहीं है, एंडलर्स जैसे दिखते हैं भयंकर। बताओ गाइस ये देखो कंपटीशन देख रहे हो, वो देखो एक दूसरे चिढ़ने लग गए हैं। ये वाली कौन सी है भैया? चिली मोज़ेक। चिली मोज़ेक मेल है। ओके ये भी थोड़ा बहुत डम्बो ईयर जैसे दिखता है, वही वाला प्लैटिनम की तरह। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा, आराम से। जंपिंग या पार्क हो रहा भाई, कोई रिस्क नहीं लेना। ये सुई। एंड गाइस बाकी की दो फीमेल्स हम इसमें डालेंगे क्योंकि इसमें हमारा एक मेल है, वो देखो वो भी वाइट प्लैटिनम डम्बो ईयर से कम नहीं है, उसका जेनेटिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें हम वो दो फीमेल्स डाल देंगे ताकि वो उसे ब्रीड कर पाएं। ये हो फीमेल्स? ना, ये चिली की है। चिली की है वो बहन, ये चिली की साथी है, तो हम इसे चिली के साथ ही रखेंगे। बच्चों वाली तो नहीं है। नहीं कैंडी। भाई ये भी बिल्कुल सेम उसकी तरह लग रही है, प्लैटिनम वाली की तरह। फीमेल ज्यादातर सेम ही दिखती हैं, बहुत ट्रांसलूसेंट बॉडी है। ये है ना वो फीमेल्स जो हमारे लॉन्डे के साथ आएंगी? ये तो वाली है चिली, इसमें ही रहेगी। तो ये दो फीमेल जो इसमें बची है ये वाली जाएंगी उसमें? ओके भाई वो क्या गलती उछल रही है। शाकुल भाई एक्सपर्ट एकदम गपीस को ट्रांसफर करते हुए एकदम सटीक। बाकी अब दो गपीस बची हैं लास्ट हमारी। भैया मेरे प्लांट्स खराब हो रखे हैं। वैसे इस वाले में बच्चे हैं भाई। एक तो चार। बच्चे क्रॉस तो नहीं जाते ना इससे? नहीं। ये लो भैया जल्दी से ये वाले भी काटो फटाक से। ये और ये गए अपने न्यू होम में और उसके चार फ्राइज भी हैं। देखो भैया इसमें कोई है तो नहीं। सो गाइस इसमें हमने डाल दी है दो फीमेल्स और उसके कुछ बच्चे भी हैं और वो वहाँ कोने में जाके हमारे मेल से मिल रहे हैं, वो देखो मजे कर रहे हैं इस सेटअप में। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला सेटअप, बट असली सेटअप तो भाई ये लग रहा है। कैसी लग रही है शाकुल भाई? ये देखो हमारी न्यू न्यू गपीज़।
एग्जॉटिक गपीज, ये थोड़ी स्ट्रेस में रेस्ट में। तो अभी पता क्या करते हैं, अभी लाइट बंद कर देते हैं, पता है थोड़ी देर के लिए गाइस लाइट बंद कर देंगे। और गाइस आपको मेरी एग्जॉटिक गपीज कैसी लगी, हमारी एग्जॉटिक गपीज कैसी लगी, एंड आपको भी ऑर्डर करना है तो प्लीज जाके रेन एक्वेटिक से प्यारी गपीज ऑर्डर कर लो, उनके यहाँ ऑफर्स भी चलते हैं बहुत सारे। ये वाली गपीज आपको मिल जाएंगी 130 rupees फॉर पेयर एंड क्वालिटी काफी अच्छी है, शिपमेंट ऑल ओवर इंडिया। मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे उन्हें जाके डीएम करो, थोड़ा सा लव एंड सपोर्ट दिखाओ। ये वाला ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं मिलता हूँ, मेरी फिशेज मिलती हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।